हरियाणा में गेहूं की खरीद लगातार जारी है। मंडियों में इस बार पिछली बार की तुलना से ज्यादा गेहूं पहुंचने की उम्मीद भी जताई जा रही है। प्रदेश में किसानों से एमएसपी रेट पर गेहूं लिया जा रहा है। अभी तक 34 लाख मेट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है, जिसकी लगभग 900 करोड़ रुपए पेमेंट सरकार किसानों को कर चुकी है, जिसकी जानकारी गुरुग्राम पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दी। बहुत अच्छी खरीद इस बार चल रही है, लगभग 34 लाख मीट्रिक टन की गेहूं की खरीद हो चुकी है, मंडियों में आया है। 1.5 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा सरसों का आया है और हर रोज़ 3-4 लाख मीट्रिक टन फसल हमारे यहाँ आ रही है। 900 करोड़ रुपए की हम पेमेंट कर चुके हैं और मुझे लगता है कि अगले हफ्ते में पिछले साल के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। इस बार अराइवल ज़्यादा होगी, 70-80 लाख मीट्रिक टन गेहूं आने की उम्मीद है। मुआवजे को लेकर कृषि मंत्री ने बताया कि ओलावृष्टि में बर्बाद हुई फसल का मुआवजा जल्द ही किसानों को दिया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। मुआवजा देने की प्रक्रिया ये है कि उसका खराबा हो, उसकी गिरदावरी हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चेकिंग हो, फिर प्रदेश स्तर पर FCR के पास रिपोर्ट जाए, फिर उसका मुआवजा हो। हमारी लगभग जिला लेवल पर चेकिंग हो चुकी है, उसका आकलन करके अप्रैल के महीने में हमारे पास पहुंच जाएगा। मई में हम सारा पैसा डाल देंगे और सबसे ज्यादा मुआवजा देने वाली हरियाणा सरकार है। गुरुग्राम में कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने ग्रीवेंस की मीटिंग ली और कुल 11 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया और बाकी के लिए अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए। मीटिंग हुई 10 बजे हमने शुरू की थी, 2 घंटे लगभग ये मीटिंग चली, 15 इसमें परिवाद थे, 11 का हमने समाधान किया है, 4 को पेंडिंग रखा है और जो नए लोगों से अगली कमेटी के लिए एप्लीकेशन आई है उनको अगली मीटिंग के लिए डाल दिया गया है और सबकी सहमति की हाउस की सहमति से एक फैसला और लिया गया है कि 29 तारीख को हम दोबारा एक मीटिंग करेंगे। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने अधिकारियों को सख्त हिदायत भी दी है कि अगली बैठक तक इन शिकायतों का निपटारा कर दिया जाए और तमाम शिकायतों का आने वाले समय में फॉलो अप भी लिया जाएगा। सूरज समाचार के लिए गुरुग्राम से नीरज अम्बावता की रिपोर्ट।